और तार सिंह के जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। वो क्या छुपाएगा, सब कुछ सारी दुनिया को मालूम हो गया। अखबार होगा आपके पास, उसने कहा। जी रंजना, ये अखबार छोटे ठाकुर को दे दो। रंजना गई और उसने अखबार लाकर अवतार सिंह को दिया। और बेटे, जो कुछ मैंने कहा है रस्मन नहीं कहा है, ये घर तुम्हारा, लोग तुम्हारा खानदान है, अब मैं चलती हूँ। अवतार सिंह का दिल तशक्कुर से भर गया। कितनी प्यारी नरम दिल और दर्दमंद खातून है ये नीचे वाली, उसने सोचा। फिर वो अखबार की तरफ मुतवज्जो हो गया। सुर्ख आंधी और उसकी तबाही की खबर अखबार के पहले सफे पर छपी थी। अखबार के मुताबिक 11 गांव रेत के नीचे दफन हो गए थे। लेकिन पूरा अखबार छानने पर भी उसे जयपुर के बारे में कोई खबर नजर नहीं आई। ना ही कोई ऐसी खबर थी कि जयपुर से लोगों की भारी तादाद ठाकरों की गढ़ी पर हमला करने गई थी। वो मामला कैसे दबा हुआ है, ये अवतार सिंह की समझ से बाहर था। बहरहाल उसने एक बात समझ ली, कुदरत इस मामले को राज रखना चाहती है तो उसे भी जुबान खोलने से गुरेज करना होगा। उसने अखबार एक तरफ रखा और अम्मा की दी हुई पोटली की तरफ हाथ बढ़ाया। पोटली खोलकर वो हैरान रह गया। उसमें बहुत सारे रुपए थे और उनके नीचे बहुत भारी सोने के जेवरात। उसकी आंखें भर आईं। वो हवेली से खाली हाथ निकला था और अम्मा घर के दरवाजे पर ये सब कुछ लिए उसका इंतजार कर रही थी, ताकि परदेश में वो मुफलिसी से हमेशा महफूज रहे। उसने एक बार फिर रकम को और जेवरात को देखा। वो इतना कुछ था कि सारी जिंदगी ऐश से गुजारी जा सकती थी। नीचे वाले अवतार सिंह के हक में पूरी तरह बदल गए थे। उनके नजदीक वो अलमिया बहुत बड़ा था जो रूनुमा हुआ था। 18 साल का नौजवान एक ही लम्हे में अपना सब कुछ खो बैठा था। उसका बाप ही नहीं खत्म हुआ, उसका गांव ही सफाए हस्ती से मिट गया। वो बेचारा तो घर का तसव्वुर भी खो बैठा। सरफराज बेगम बहुत हसास खातून थी। जवानी में उन्हें बेवगी का दुख मिला था और बेटे से वो महरूम थी। उन्हें अवतार सिंह का गम बहुत बड़ा लगा। कुर्बानों की भी यही कैफियत थी, बल्कि वो तो अखबार में वो खबर पढ़ने के बाद घंटों रोती रही थी। नूर बानो और गुलनार भी उसकी हमदर्दी से सरशार थी। और छमन बुआ का तो ये हाल था कि बैठे बैठे ख्याल आता तो उनकी आंखें छलक जाती। नीचे सब लोग अपने अपने तौर पर छोटे ठाकुर के दुख का तसव्वुर करते और कुढ़ते, लेकिन नूर बानो तो उससे मोहब्बत करती थी। वो तो अब हर वक्त उसी के बारे में सोचती रहती। बार बार उसे अपने आंसू पोंछने पड़ते और हर रोज छमन बुआ नीचे से छोटे ठाकुर के लिए कुछ न कुछ लेकर जाती। सरफराज बेगम को मालूम था कि वो उनके यहाँ के खाने पसंद करता है। उस रात वो खाने के बाद मामूल के मुताबिक कुछ देर कोठे पर चहलकदमी करता रहा। फिर वो अपने कमरे में बैठकर पढ़ने लगा। कुछ देर बाद रंजना कमरे में आई। छोटे ठाकुर, वो बड़ी बेगम आपसे मिलने आई है। अवतार सिंह ने चौंक कर देखा। इतनी देर में सरफराज बेगम उसके कमरे में दाखिल हो गई। वो बौखला कर उठ खड़ा हुआ। किताब उसके हाथ से छूट गई। उनके इस तरह सामने आने की उसे तवक्को नहीं थी। माँ जी, आप क्यों, मैं आ नहीं सकती तुम्हारे पास, सरफराज बेगम के लहजे में अपनायत थी। ये बात नहीं माँ जी, अवतार सिंह ने शर्मिंदा लहजे में कहने की कोशिश की। नहीं, मुझे बात पूरी करने दो, सरफराज बेगम ने उसकी बात काट दी। आज तुमने रंजना से किराया भिजवाया तो मैंने समझ लिया कि तुमने मेरी बात को रस्मी समझा था, इसलिए मैं साबित करने चली आई। मैं जिंदगी भर बहादुर अली के सिवा किसी नामहरम के सामने नहीं आई। और बहादुर अली अम्मा जान के जमाने का मुलाजिम है, घर के फर्ज जैसा। मगर अपने शौहर के इंतकाल के बाद मैंने बहादुर अली से भी पर्दा किया, लेकिन आज मैं तुम्हारे सामने हूँ क्योंकि तुम्हें बेटा समझती हूँ।
ये कहते कहते उनकी आवाज रंद गई। और मैं आज तुमसे कह रही हूँ कि तुम जब चाहो नीचे आओ, तुम हमारे लिए घर का फर्द हो, तुम मेरे बेटे हो छोटे ठाकुर। अवतार सिंह को अपने सीने में दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। वो उठा, उसने झुककर सरफराज बेगम के पांव छू लिए, फिर वो सीधा हुआ और उसने हाथ फैलाते हुए कहा, लाइए ये पैसे मुझे दे दीजिए, मुझे शर्मिंदगी है कि मैंने ये वस्ताखी की, आपका दिल दुखाया, दुआ कीजिएगा कि मैं आपके लिए बेटा ही साबित हूँ। ये बड़ी जिम्मेदारी है, बेटों को खुद को बेटा साबित करना नहीं होता, बस वो बेटे होते हैं। अब मैं चलती हूँ और छोटे ठाकुर जो मैंने कहा है ना वो याद रखना, मुझे दोहराने पर मजबूर कभी ना करना, समझ रहे हो ना। अवतार सिंह समझ रहा था, वो उसे कह रही थी कि वो जब चाहे नीचे आ सकता है, उससे किसी का पर्दा नहीं। सरफराज बेगम की वो दावत अवतार सिंह की मोहब्बत के लिए कसौटी बन गई। बड़ी बात ये थी कि बिल्कुल इब्तदा ही में उसे इस बात का एहसास हो गया कि ये उसकी मोहब्बत के लिए बहुत बड़ी आजमाइश है। शायद ऐसा इसलिए हुआ कि वो बुनियादी तौर पर सोचने वाला आदमी था। हर बात पर सोचना, गौर करना, तजिया करना और फिर फैसला करना उसकी फितरत में था। पहली बार उसने सोचा कि वो नीचे जा सकता है, कोई उससे पर्दा नहीं करेगा, तो वो परेशान हो गया। वहाँ तीन लड़कियाँ थी, उसे कैसे पहचानेगा। दिल ने झट कहा, ये तो कोई मसला ही नहीं, उसकी आवाज तो वो लाखों में पहचान सकता है, वो उसे देख सकेगा, उसकी मोहब्बत मुकम्मल हो जाएगी। इस तसव्वुर ही ने उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ा दी। उसका जी चाहा कि उसी वक्त नीचे चला जाए, उसे देख ले। वो खुशी उसके लिए बिल्कुल नई और अनोखी थी। लेकिन वो रख रखाव वाला आदमी था। ये रात का वक्त था, इस वक्त जाना मुनासिब नहीं, उसने सोचा कल देखेंगे। अगले रोज अवतार सिंह सोकर उठा तो वो उसी कैफियत में था जिसमें सोया था। उसका जी चाह रहा था कि उड़कर नीचे पहुंच जाए। नाश्ते तक वो अपनी इस ख्वाहिश को दबाए बैठा रहा, मगर नाश्ते के बाद हर गुजरते लम्हे के साथ उसकी बेचैनी, उसका इज़्तिराब बढ़ता गया। बल्कि वो एक ऐसी तड़प में तब्दील हो गया जो उसे कदम उठाने पर उकसा रही थी। मगर जीने पर उतरते उतरते अचानक वो ठिठक कर रह गया। वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। ये वो चुपते हुए सवाल थे जिन्होंने अचानक ही उसके कदमों से तहर्रुक छीन लिया था। चंद लम्हे वो साकत खड़ा रहा, जैसे वो सवाल उसकी समझ में न आए हों। फिर उसके अंदर जवाब उभरा, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। अंदर की अदालत में वकील इस्तगासा ने चुपते हुए लहजे में एक और सवाल किया, तुम्हें ये हक किसने दिया। माँ जी ने, तो तुम माँ जी के बेटे के हैसियत से माँ जी की बेटी को देखने जा रहे हो। इस एक लम्हे में अवतार सिंह के हर मसाम से पसीना बह निकला। उसकी शर्मिंदगी ने उसे समझा दिया कि मामला इतना सीधा नहीं जितना नजर आता है, इस मामले में कोई बड़ी गड़बड़ है और ये अदालत जीने पर नहीं लगाई जा सकती। वो पलटा और सीढ़ियां चढ़ने लगा। अपने कमरे में अपनी कुर्सी पर बैठकर उसने पहली बार इस मामले को हर रुख हर जाविये से देखने की कोशिश की। सवाल ये था कि माँ जी के रिश्ते से उनकी बेटियां उसके लिए क्या हैं, बहन ही ना। ये अलग बात है कि उनमें से एक की आवाज सुनकर वो पहले ही से उसकी मोहब्बत का असीर हो चुका था, लेकिन उसने ये बात कभी किसी को नहीं बताई, किसी को भी नहीं। और ये राजदारी उसने सिर्फ अपनी मोहब्बत को रुसवाई से बचाने के लिए बरती थी। तो क्या अब उसे इस रसवाई की कोई परवाह नहीं रही। अगर वो नीचे जाता है, उस लड़की को देखता है, तो इससे उसे कुछ हासिल नहीं होगा। इम्कान ये है कि वो माँ के हवाले से उसे भाई का मकाम देगी और वो उसे मोहब्बत की नजर से देखेगा,
मोहब्बत में बारफ्तगी होती है, कहीं उसकी नजरों ने भेद खोल दिया तो वो उसके सामने और सबसे बढ़कर मां जी के सामने कितना शर्मिंदा होगा। कोई नहीं मानेगा कि वो पहले से उससे मोहब्बत करता है। माँ जी तो यही समझेंगी कि उसने उनकी दी हुई रियायत का नाजायज फायदा उठाया, वो उनकी नजरों में हकीर हो जाएगा, उसकी मोहब्बत रुसवा हो जाएगी। फिर कोई औरत किसी महरूम को बेटा नहीं बनाएगी। और अगर दिल फर्ज मुहाल ऊपर वाले ने उस लड़की के दिल में भी उसकी मोहब्बत डाल दी तो ये ख्याल बेहद खुशाइन था। उसकी धड़कनों की लय बदलने लगी, मगर अगले ही लम्हे उसकी समझ में आ गया कि इस तरह पेचीदगी और बढ़ जाएगी। उसमें तो मां जी के घर की बड़े पैमाने पर रुसवाई का खदशा है। इन दिनों सियासी सूरत हाल वैसे ही खराब थी। हिंदुस्तान की तकसीम के मामले पर इख्तलाफ हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान नफरत की खलीज बढ़ा रहा था। नहीं, बेहतर यही है कि वो अपनी मोहब्बत को पहले जैसा ही रहने दे। किसी को चांद से मोहब्बत हो जाए तो वो उसकी चांदी में नहा तो सकता है, हाथ बढ़ाकर उसे छू तो नहीं सकता। मोहब्बत से जमालियाती हिस का नमू है, बस इतना काफी है। उसने फैसला कर लिया कि वो कभी नीचे नहीं जाएगा, वो खतरनाक रियायतों से इस्तेफादा नहीं करेगा। सरफराज बेगम छोटे ठाकुर को पैसे लौटा कर आई तो बहुत हल्की फुल्की थी। छोटे ठाकुर के लिए उनकी ममता ऐसे उमड़ी थी कि इतना प्यार उन्हें अपनी किसी बेटी पर भी नहीं आया था। उनके पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। लगता था कि उनकी बरसों पुरानी बेटे की आरजू पूरी हो गई है। लेकिन उस रात वो सोने के लिए लेटी तो उनका दिल वसवसों से भर गया। बेटा पाने की खुशी में उन्हें एहसास भी नहीं हुआ था कि वो कितनी बड़ी बात कह आई है, उसे निभाना कितना मुश्किल है, ये वो अब सोच रही थी। अगली सुबह उन्होंने इस सिलसिले में बच्चियों से बात की। ये भी जरूरी था कि उन्हें पहले से इस सूरत हाल के लिए जहनी तौर पर तैयार किया जाए। उन्होंने तीनों बच्चियों को सामने बिठाकर कहा, मैंने छोटे ठाकुर को बेटा बना दिया है, अब वो हमारे घर का एक फर्द है। इस रिश्ते से वो तुम्हारा भाई हुआ। अल्लाह कितना अच्छा लगेगा अम्मा, मुझे तो हमेशा ये सोचकर अफसोस होता था कि अल्लाह ने हमें भाई नहीं दिया, गुलनार ने चहक कर कहा। वो इस खबर से खिल उठी थी। वो घर में आएगा तो तुम लोग उससे पर्दा नहीं करोगे। सरफराज बेगम ने मजीद कहा। अब वो गौर से लड़कियों के चेहरे देख रही थी। गुलनार तो खुश नजर आ रही थी। हूर बानों की आंखों में एक पल को एक तासुर सा चमका था, लेकिन अगले ही पल वो बेतासुर हो गई। इस तासुर को सरफराज बेगम ने देखा तो, लेकिन समझ नहीं सकी। बहरहाल ये तय था कि उसका रद्द अमल मनफी नहीं था, लेकिन नूर बानों की तरफ देखकर उन्हें तश्वीश होने लगी। उसके चेहरे पर नापसंदीदगी का तासुर बिल्कुल वाज़े था। क्या बात है नूर बानो, तुम इतनी चुप क्यों हो, उन्होंने उससे पूछा। अम्मा, मैं समझती हूँ कि आपने अच्छा नहीं किया, नूर बानो ने झिझकते हुए कहा। ये बात तुम कह रही हो, सरफराज बेगम ने नरम लहजे में पूछा। इन रिश्तों की कोई शरई हैसियत नहीं होती जो इंसान खुद बना लेता है, नूर बानो बोली। किसी को बेटा बना लिया जाए तो वो हकीकी बेटा नहीं बन जाता, उसे वो हकूक हासिल नहीं हो सकते जो हकीकी बेटे के होते हैं। ना बेटा बनाने वाले पर उसके तमाम फराइज वाजिब होते हैं। ये तो एक जज्बाती मामला है। मैं उसकी दिलजोई के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस रिश्ते से इख्तलाफ है। हर बात की कोई हद होती है। सबसे बड़ी बात ये कि किसी काफिर और मुशरिक से रिश्ता कायम नहीं किया जा सकता। मैं पर्दा खत्म करने के खिलाफ हूँ, नूर बानो को लहजे में कतईयत थी। हूर बानो का चेहरा तमतमा उठा। काफिर और मुशरिक के हवाले ने उसे हिला कर रख दिया था। नूर बानो ने उसकी दुखती रग पर उंगली रख दी थी। छोटे ठाकुर की मोहब्बत में गिरफ्तार होने के बाद वो खुद भी तो इसी पहलू से सोचती रही थी।
लेकिन जब उसे पता चला कि वो अरबी पढ़ता है और अपने उस्ताद से कुरान सुनता, तो उसके दिल ने कहा था कि वो मुशरिक नहीं है, बल्कि मुमकिन है कि इस्लाम भी कबूल कर ले, और उसके कुरान सुनने की गवाह तो खुद नूर बानो थी। चुनांचे उसने तड़प कर कहा, तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे वो इंसान ही नहीं, और जरा ये तो बताओ वो कैसा काफिर और मुशरिक है जो कुरान की तलावत सुनता है और अरबी पढ़ता है। ये सुनकर सरफराज बेगम चौंकी और उन्होंने गौर से हूर बानो को देखा, क्या ये सच है, नूर बानो से पूछ ले। सरफराज बेगम नूर बानो की तरफ बुरी, उनके पूछने से पहले ही नूर बानो ने कहा, ये सच है, लेकिन अम्मा आप ही बताएं, क्या इस बात से उसके कुफर और शिर्क में कोई फर्क पड़ता है। फर्क क्यों नहीं पड़ता, हूर बानो बोली, इससे साबित होता है कि वो इस्लाम की तरफ मायल है। सरफराज बेगम इस इत्तला से अचंभे में थी और खुश भी हुई थी, मगर वो जानती थी कि नूर बानो का मौकफ दुरुस्त है, दीन के खिलाफ जाने का कोई सवाल ही नहीं था, और उन्हें नूर बानो पर फखर हो रहा था। पढ़ाई रायगा नहीं थी, उसने बच्चियों में दीन की समझ पैदा की थी, बल्कि जिंदगी में उसकी अफादियत भी साबित कर दी थी। चंद लम्हे सोचने के बाद उन्होंने कहा, मुझे एहसास हो गया है कि जज्बातियत में मैं हद से गुजर गई थी, अब बात मेरे मुंह से निकल चुकी है, और मैंने छोटे ठाकुर से ये भी कहा था कि मैंने रस्मन ये बात नहीं कही है, लेकिन मैं तुम लोगों को मजबूर नहीं करूंगी, छोटे ठाकुर को मैं समझा कर माजरत कर लूंगी। मैं आपकी बात रखूंगी अम्मा, हूर बानो ने कहा। और मैं तो उन्हें भाई ही समझूंगी, गुलनार बोली। नूर बानो खामोश रही, उसके चेहरे पर नागवारी का तासर था। दो दिन और गुजर गए, सरफराज बेगम को यकीन हो गया कि छोटा ठाकुर नीचे नहीं आएगा, वजह उन्हें मालूम नहीं थी, उन्हें तजस्सुस भी बहुत था, लेकिन वजह वो उससे पूछना नहीं चाहती थी। सच तो यह है कि उसने नीचे ना आकर उनकी गलती की तलाफी कर दी थी और उन्हें अल्लाह के सामने शर्मिंदगी से बचा लिया था। अब पूछने में ये डर भी था कि उसके नीचे आने की राह फिर न खुल जाए। ये बात नहीं कि वो ऐसा ना चाहती हूँ, दिल तो उनका अब भी यही चाहता था कि वो बेटा बनकर नीचे आए और उनके पास बैठे और बातें करे, लेकिन उनके मुंह से बच्चियों के पर्दा न करने की जो बात निकल गई थी वो उस पर पछता रही थी। तीसरे दिन उन्होंने बड़े एहतमाम से लौकी का हलवा बनाया और छम्मन बुआ के हाथ ऊपर भिजवाने की बजाय खुद ही ले गए। इस बार उनके अंदाज में हकीकी माओ वाला एतमाद था। उन्होंने रंजना से पूछा, छोटे ठाकुर कहाँ हैं? अपने कमरे में हैं बड़ी बेगम, रंजना ने जवाब दिया। वो छोटे ठाकुर के कमरे की तरफ बढ़ी, उसी लम्हे वो अपने कमरे से निकल आया। उसने उनकी आवाज और रंजना का जवाब सुन लिया था। आइए माँ जी, कैसी हैं आप, उसने पूछा और दरवाजे से हटकर उन्हें रास्ता दिया। ठीक हूँ बेटे, तुम्हारे लिए लौकी का हलवा लाई हूँ। उन्होंने अपने हाथ से चमचा भर हलवा उसे खिलाया। वाह माँ जी, बहुत मजे का है, छोटे ठाकुर ने चटखारा लेकर कहा। क्यों ना हो, तुम्हारे लिए बनाया है, इसमें मोहब्बत का जायका भी है, सरफराज बेगम बोली। हर रोज थोड़ा सा खाया करो, ये बहुत फायदेमंद होता है। सरफराज बेगम एक लम्हे को हिचकिचाई, फिर उन्होंने कहा, चाय पी लूंगी। चंद लम्हे इधर उधर की बातें होती रही, मगर सरफराज बेगम को अब भी उसके माँ बाप के बारे में तिश्नगी थी। उन्होंने गुफ्तगू का रुख उसी तरफ मोड़ दिया। तुम यहाँ आए तो तुम्हारी माता जी का इंतकाल हो चुका था। जी माँ जी, मैं माताजी के देहांत के 6 माह बाद यहाँ आया था। मुझे ये बताओ, तुम्हारी माताजी कैसी थी? माँ के बारे में तो इतना कहना ही काफी है माँ जी कि वो माँ है, छोटे ठाकुर ने सादगी से कहा। उसके बाद तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं रहती। कैसा खूबसूरत और सच्चा जवाब है, सरफराज बेगम ने दिल में सोचा। फिर बोली, तुम्हारी माताजी खुश नसीब थी कि उन्हें इतने बरसों के बाद
मिला तो तुम जैसा बेटा मिला, कैसे खुश होती होंगी वो तुम्हें देखकर। जी माँ जी बहुत खुश होती थी, लेकिन कभी कभी मैं उन्हें बहुत परेशान कर देता था। ये तो जहानत की दलील है, इसमें परेशानी कैसी। माता जी सीधी सादी धर्म की पक्की थी, वो चाहती थी कि मैं रोज उनकी तरह पूजा किया करूं। मैं ये पूछता था कि ये पूजा क्यों की जाती है, भगवान कौन है, क्या सचमुच ऐसा है, क्या उसे देखा जा सकता है, वो सामने आता है, अगर उसे किसी ने नहीं देखा तो उसका बुत कैसे बना लिया, ये भगवान कैसा शक्ति वाला है कि अपने बुत पर बैठी बदतमीज मक्खी को भी नहीं उड़ा सकता, सजा नहीं दे सकता। सरफराज बेगम हैरान थी, उनके सामने छोटे ठाकुर की शख्सियत का ये नया रुख आ रहा था। ऐसा आदमी मुशरिक कैसे हो सकता, और हो भी तो मुशरिक रह नहीं सकता, शायद इसलिए उन्हें उस पर ऐसा प्यार आता था। छोटा ठाकुर उनकी कैफियत से बेखबर अपनी धुन में बोले जा रहा था। माता जी के पास इल्म नहीं था, उनके पास मेरे एतराजात के जवाब नहीं थे, वो मेरे सवालात पर झुंझलाती थी। वो कहती थी पुरखों से ये पूजा चली आ रही है, हमारे दादे परदादे इसी तरह पूजा करते रहे हैं, तो हम कैसे छोड़ दें। तो तुम्हें इसमें क्या इतराज था बेटे, उन्होंने पूछा। देखिए माँ जी, इंसान तो जिंदगी भर गलती करता रहता है, एक वक्त में वो एक नजरिया कायम करता है, आगे जाकर वो गलत साबित हो जाए तो उसकी इसलाह कर लेता है, जो गलत साबित होने के बावजूद उस नजरिए पर डटा रहे वो जाहिल होता है। आदमी की तस्लीम न करने से हकीकत नहीं बदल जाती, और आदमी की तस्लीम करने से कोई गलत बात दुरुस्त नहीं साबित होती। मैं माता जी से कहता था कि ये भी तो मुमकिन है कि हमारे दादे पर दादे गलती पर हों, हमें इस पर गौर करना चाहिए। ये सुनकर माता जी को गुस्सा आता था, लेकिन मेरी मोहब्बत में उसे पी जाती थी। वो मुझसे खुशामद करती कि बस मैं उनकी खुशी के लिए पूजा कर लिया करूं। तो फिर तुम क्या करते थे। माता जी की खातिर पूजा कर लिया करता था। मैंने तो जब से होश संभाला भगवान को देवी देवताओं का कभी माना ही नहीं, मेरी अकल नहीं मानती थी, वो तो बस वक्त पड़ने पर तिनके के सहारे वाली बात थी, ऐसे में आदमी किसी से भी उम्मीद लगा लेता है, छोटे ठाकुर ने कहा। फिर उन्हें गौर से देखा, ऐसा तो आप ही करती होंगी। मैं तो भाई सब कुछ अल्लाह से मांगती हूँ, और उस ईमान के साथ मांगती हूँ कि वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन जानती हूँ कि असल चीज उसकी मर्जी है, वो चाहे तो दे और चाहे तो ना दे। मैं ये भी मानती हूँ कि वो जो कुछ करता है बेहतर होता है। मैं मांगती हूँ भिखारियों की तरह, गुलामों की तरह, आजिजी से। आपने मुझे बहुत बड़ी बहुत काम की बात बताई है माँ जी, अब तो मैं हर चीज अल्लाह से मांगूंगा, मगर ये बताएं कि ये आखरत क्या है। ये वो लम्हा था कि सरफराज बेगम को झटका लगा, अपने जोश में उन्हें ये ख्याल ही नहीं रहा था कि वो ये सारी बातें एक हिंदू से कर रही हैं, और लगता भी कैसे, वो तो ईमान वालों की तरह बोल रहा था। अब उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो अल्लाह का नाम ले रहा है, अकीदत और एहतराम से ले रहा है। वो चंद लम्हे हैरत से उसे देखती रही, फिर बोली, छोटे ठाकुर तुम अल्लाह को क्या जानो। जवाब में छोटे ठाकुर ने बड़ी आजिजी से कहा, नहीं जानता माँ जी, लेकिन जब से होश संभाला है जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्तजू में लगा हूँ, यही तो मकसद है मेरी जिंदगी का। सरफराज बेगम ये सुनकर हैरत में भी थी और खुश भी, इसी कैफियत में वो नीचे चली गई। इस बार सरफराज बेगम जब्त नहीं कर सकी, उन्होंने तीनों बच्चियों को अपने पास बिठाया। मैं तुम्हें किसी बात पर मजबूर नहीं करना चाहती, उन्होंने कहा, लेकिन तुम्हें बताना जरूरी समझती हूँ। वो तीनों उन्हें मुतवक्को नजरों से देख रही थी,
नूर बानों के अंदाज में चौकन्नापन था। मैं तुम्हें नसीहत कर रही हूँ कि छोटे ठाकुर को कभी मुशरिक और काफिर ना कहना, बल्कि ऐसा सोचना भी नहीं। जो कुछ मैंने छोटे ठाकुर से सुना है और जितना मैंने उसे समझा है, उसकी बुनियाद पर तुम्हें समझा रही हूँ। सरफराज बेगम बोली, वो तो हक की जुस्तजू कर रहा है, वो अल्लाह का नाम लेता है, उसने कभी बुतों को नहीं पूजा। कॉलेज खुल गए। इब्तदा में तो पढ़ाई वैसे भी कमी होती है, लेकिन अवतार सिंह को अंदाजा हो गया कि अब पढ़ाई का माहौल है ही नहीं। वहां तो अब सियासी गुफ्तगू ज्यादा होती थी, टीचर्स को भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं रही थी, इधर दोस्तों के दिलों में भी दूरी हो गई थी। अवतार सिंह को गर्दोपेश से हमेशा दिलचस्पी रही थी। वो अंदर की दुनिया में दिलचस्पी लेने वाला ऐसा शख्स था जो अंदर की दुनिया को बाहर के हवालों से और बाहर की दुनिया को अंदर के हवालों से समझने की कोशिश करता था। ये जुलाई 1946 का अरसा था। अखबारात पढ़ने शुरू किए तो उसे हैरत भी हुई और खुद पर अफसोस भी हुआ। इतना कुछ हो चुका था और उसे कुछ मालूम ही नहीं था। पाकिस्तान को वो मुसलमानों का ख्वाब समझता था, लेकिन सूरत हाल बताती थी कि मुसलमान तेजी से ताबीर की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बात तय थी कि अंग्रेज रुखसत होने वाले हैं। उस रोज अम्मा ने बहादुर अली को बुलवाया। बहादुर अली, दो थान लाने हैं कपड़े के, उन्होंने दरवाजे की ओट में खड़े होकर कहा। एक थान ढाका की बेहतरीन मलमल का और एक बहुत अच्छे लट्ठे का। ले आता हूँ बेगम साहिबा। अम्मा ने चमन बुआ को पैसे दिए जो उन्होंने बहादुर अली को दे दिए। तीनों लड़कियों का तजस्सुस से बुरा हाल था। आप पूरे थान का करेंगी क्या? नूर बानो ने एतराज किया। कुर्ते ही बनाऊंगी, मलमल का और मसरूफ क्या है? सरफराज बेगम ने मुस्कुराते हुए कहा। इतने कुर्ते, और वो भी जाती गर्मियों में? नूर बानो ने कहा। कढ़ाई में महीने से कम नहीं लगता, अगली गर्मियां आने तक कुर्ते तैयार हो जाएंगे। अच्छा माँ, एक कुर्ता मुझे भी दीजिएगा, मैं भी काटूंगी, नूर बानो बोली। ये तो आपने बताया नहीं कि इस थान में से कुर्ते किस किस के निकलेंगे? सिर्फ छोटे ठाकुर के और किसी के नहीं। सरफराज बेगम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। उन तीनों के मुंह खुले रह गए। हैरत, इतने कुर्ते छोटे ठाकुर के लिए? नूर बानो ने बेसाख्ता कहा। और एक कुर्ता नूर बानो भी काढ़ेगी? नूर बानो झेंपी, खिसियाई, एक लम्हे को हिचकिचाई। ऐसा लगता था कि वो इनकार कर देगी, लेकिन फिर शायद उसे अपनी आन का ख्याल आ गया। लो, इसमें ऐसी कौन सी बात है, कुर्ता काढ़ने में क्या बुराई है? वो तो मैं जरूर काढ़ूंगी। एक पर मैं भी कढ़ाई करूंगी, हूर बानो ने कहा। चलो कर लेना, सरफराज बेगम ने गहरी सांस लेकर कहा। बाहर के हालात ऐसे थे कि वो मुस्तकिल तौर पर परेशान रहने लगी थी। बस अवतार सिंह की मोहब्बत उनके लिए बड़ा सहारा थी। उनका दिल घबरा जाता तो वो ऊपर चली जाती, उससे बात करते हुए वो सब कुछ भूल जाती। बस ऐसा लगता कि बरसों का बिछड़ा बेटा उन्हें मिल गया है। उनका सीना खुशी से पूरी तरह भर जाता। सच ये था कि वो उसकी कुर्बत में बहुत महजूज होती थी। उन्हें खुशी इस बात की थी कि अवतार सिंह भी उनसे मोहब्बत करता था। वो उनका वैसे ही अदब और एहतराम करता था जैसे कोई अच्छा बेटा अपनी माँ का करता है। वो उनकी हर बात बहुत गौर से सुनता और इस दौरान उसकी निगाहों में मोहब्बत होती। घर में सिर्फ सरफराज बेगम ही ऐसी नहीं थी जो परेशान हो, बहादुर अली उनसे कहीं ज्यादा परेशान था। उसकी वजह भी थी, उसका तो बाहर आना जाना